गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाएंगे और आपको वो बहुत पसंद आएगी और आप उसको फॉलो भी करेंगे। हमारी स्टोरी है द शेफर्ड एंड द फ्लूट। शेफर्ड क्या होता है? गडरिया, जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं, और फ्लूट मीन्स बांसुरी। तो हमारी जो स्टोरी है ये इस बच्चे के बारे में है जो एक गडरिया था, शेफर्ड था, उसके बारे में ये स्टोरी है। बताऊंगी मैं भी आपको। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए यंग शेफर्ड नेम्ड रॉबिन। बहुत पहले की बात है, एक छोटा, यंग मतलब छोटा, छोटा गडरिया का बच्चा था, वो रहता था, उसका नाम था रॉबिन। ही कुड प्ले द फ्लूट ब्यूटिफुली एंड बेटर देन एनीवन एल्स। वो इतने बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता था। ये आपको दिखाई दे रहा है बांसुरी बजा रहा है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था, उसके जैसी कोई नहीं बजा सकता था। ही कुड इवन चार्म वाइल्ड बीस्ट विद द म्यूजिक ऑफ हिज फ्लूट। यहाँ तक कि वो जंगली जानवर भी उसकी बांसुरी की आवाज़ सुन के उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे उसके ऊपर। बीस्ट क्या होते हैं? जो जंगली जानवर होते हैं, और चार्म मीन्स आकर्षित करना किसी को अपनी तरफ। और वो जंगल में जाता था अपनी भेड़ बकरियों के लेके, और वहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाता था। और ये देखिए, पक्षी भी, तितली, जितने भी जंगली जानवर, सब उसकी बांसुरी को सुन के बहुत खुश होते थे। उसके बाद क्या हुआ? रॉबिन फेल इन लव विद ए शेफर्डेस नेम्ड रोजमेरी। और एक लड़की थी गडेरिए की, रोजमेरी, उससे उसकी दोस्ती हुई रॉबिन की। एंड ट्राइड टू चार्म हर विद हिज मेलोडियस फ्लूट। और वो भी उसकी बांसुरी की आवाज़ को, ये जो है रोजमेरी, वो भी उसकी बांसुरी की आवाज़ को बहुत पसंद करती थी। बट ऑल्दो रोजमेरी लाइक द म्यूजिक, शी डिड नॉट रिस्पोंड टू हिज प्रपोजल। शी थॉट दैट रॉबिन इज लेजी एंड डज नथिंग टू अर्न हिज लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब आजीविका कमाना, रोजी रोटी कमाना। रोजमेरी को उसका संगीत पसंद था, लेकिन उसे लगता था कि रॉबिन जो है बहुत आलसी है, लेजी है, वो सिर्फ बैठ के बांसुरी बजाता रहता है, कोई पैसे वैसे नहीं कमाता है। वन मॉर्निंग रोजमेरी वेंट फिशिंग, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, एंड रॉबिन अकम्पनीड हर। एक दिन रोजमेरी मछली पकड़ने गई और उसके साथ रॉबिन भी गया। When for quite something, she could not catch a single fish. लेकिन उसे कोई भी एक मछली नहीं मिली रोजमेरी को। She asked, Robin, can your flute charm the fish? क्या तुम्हारी म्यूजिक को फिश पसंद करेंगे रॉबिन? Yes, of course. Just watch and soon you will have a basket full of fish, replied Robin and began to play his flute. तो रॉबिन ने कहा, हाँ अभी देखना तो मैं तुम्हारी टोकरी भर दूंगा मछलियों से, अपनी बांसुरी की धुन से। बट द फिश हर्ड द म्यूजिक एंड गॉट फ्राइटेंड। लेकिन जो मछलियां थी उसके म्यूजिक को सुन के डर गई, फ्राइटेंड मतलब डर गई। दे हिड बिहाइंड द रॉक्स एंड वाटर प्लांट्स। वो चट्टानों के, जो समुद्र के उसके तालाब के अंदर चट्टाने थी और पौधे थे, उनके अंदर छिप गई जाके। दिस डिसअपॉइंटेड रॉबिन, और इससे रॉबिन जो है बहुत ही उदास हो गया। ही पिक्ड अप द फिशिंग नेट एंड फ्लंग इन टू द ब्रोक एंड कॉट सो मैनी फिश दैट रोजमेरीज बास्केट वॉज सून फुल। और उसने क्या किया, उसने जो जाला उठाया मछली पकड़ने का और जल्दी से मछलियाँ पकड़ने लगा, बांसुरी बजाना उसने छोड़ दिया। रोजमेरी सैड, आई एग्री यू प्ले द फ्लूट वेरी वेल, बट समथिंग यू कैन ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय वर्किंग हार्ड। तो रोजमेरी ने उसको एक सीख दी कि मैं मानती हूँ तुम अच्छा संगीत, अच्छी बांसुरी बजाते हो, लेकिन हमेशा ही इससे वो नहीं चलता है, हार्ड वर्क कुछ भी पाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। रॉबिन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड इन फ्यूचर। अब रॉबिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोजमेरी से प्रॉमिस किया कि वो आगे से कड़ी मेहनत करेगा। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल क्या है? हार्ड वर्क इज़ ए की टू सक्सेस।
मतलब हमें आलस नहीं करना चाहिए और कड़ी मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। जैसे कि रॉबिन ने पहले तो बांसुरी बजाए कि मछलियाँ मिल जाए बैठे बैठे आराम से, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो खुद मेहनत करेगा तभी उसे वो मछलियाँ मिलेंगी, ऐसे बैठने से नहीं मिलेगी। तो इस कहानी से आप लोग भी ये सीख लेंगे कि कुछ भी पाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। थैंक यू।